अमरेली જિલ્લાના ધારી પંથકમાં છેલ્લા 4 દિવસથી કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે। શનિવારે પણ બપોર બાદ ભારે પવન સાથે ધારી પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો। કરા સાથે ખાબકેલા વરસાદથી રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા, તો ખેતરો પણ પાણીથી છલકાઈ ગયા હતા। પંથકના જર, મોરજર, દહીડા, પરબડી તેમજ બગસરા અને બાબરા સહિતના પંથકમાં ભારે વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। द्वारका जिला में पण धोधमार वरसाद पड्यो। जिलाना खंभाड़िया तालुकाना हंजड़ार पर गामे 2 इंच जेटलो वरसाद पड़ता खेतरो छलकाया हता। एवो माहोल बन्यो जाने चोमासु बेसी गयु होय अने मेघो मेहरबान बन्यो होय, परंतु आ दृश्य चोमासाना नहीं भर उनाळे पड़ी रहेला कमोसमी वरसादना छे। जिलाना गुंदा, भाणवड, कल्याणपुर सहितना तालुकाओना ग्राम्य पंथकमां पण वरसादी आफतना कारणे धरती पुत्रोना हाल बेहाल थया छे। उनाळु पाक फेल जवानी भीती सेवाई रही छे। आ तरफ कच्छ जिल्लामां पण वरसादी आफत वरसी छे। जिल्लाना अबड़ासा, मांडवी, मुंद्रा तेमज लखपत तालुकाना ग्राम्य विस्तारोमां कमोसमी वरसाद पड्यो छे। मांडवीमां तो कमोसमी आफत एटली वरसी के मांडवी मोटा भाड़ियाने जोड़ता मार्ग पर आवेली नदीमां पूरनी जेम पाणी वहेवा लाग्या हता। कमोसमी वरसादनी आगाहीनो प्रभाव मोरबी पंथकमां पण जोवा मळ्यो। ग्राम्य विस्तारनी साथे साथे शहेरमां ज 1.5 इंच जेटलो वरसाद खाबकता रस्ता पर पाणी भराई गया हता, जेना कारणे राहदारीओने हालाकीनो सामनो करवो पड्यो हतो। बीजी तरफ हळवद पंथकमां कमोसमी वरसादे खेडूतोनी चिंता वधारी छे। कमोसमी वरसादना कारणे हळवद मार्केटिंग यार्डमां धाणा अने एरंडा सहितना पाको पलळी गया हता, जेना कारणे वेपारीओ अने खेडूतोने नुकसानी वेठवानो वारो आव्यो छे। भावनगर जिल्लानी वात करीए तो अहीं पण कमोसमी वरसाद पड्यो छे। वहेली सवारथी ज वादळछाया वातावरण वच्चे ग्राम्य पंथकमां धोधमार वरसाद पड्यो, जेना कारणे उनाळु पाकने भारे नुकसान थयुं छे। जो के आ वरसादी आफत हजु पण राज्यना खेडूतो माटे क्यां सुधी मुसीबत बनी शके छे ते अंगे हवामान विभाग साथे VTV એ વાત કરી, તો સાંભળો હવામાન નિષ્ણાંતનું શું કહેવું છે। पानी गुजरात रीजन डे वन स्कैटर्ड है, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव स्कैटर्ड है। सोलाशिकल ओवर 5 डे सेमेस्टर एक्सपेक्ट करें। अभी देखा जाए डे वन में साइट WDV है, साउथ पश्चिम राज्य की गुजरात रीजन में उसका इफेक्ट रहेगा, पर डे टू के बाद और डेज हो जाएंगे। लेकिन लेकिन डे फोर से ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से डे फोर डे फाइव में थोड़ा एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। फिर कौन कौन सी जगह पे बारिश होगी? अभी देखो डे वन जैसे पूरा नॉर्थ गुजरात में एक्सपेक्ट करें, साउथ गुजरात में सब पार्ट्स में एंड सौराष्ट्र में देखा जाए सौराष्ट्र में ऑलमोस्ट सभी एरिया में थंडर एक्टिव हो सकते हैं, और डे टू में थोड़ा रिडक्शन है क्योंकि ये सिस्टम चला जाएंगे। फिर आपके नॉर्थ गुजरात पार्ट ऑफ ईस्टर्न गुजरात में एक्सपेक्ट करें, डे थ्री में फर्दर रिडक्शन हो जाएगी, बट जो आपके नॉर्थ गुजरात में ज़्यादा कॉन्सेंट होने वाला है रेनफॉल एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ जैसे डांग तापी एरिया में। लेकिन डे फोर में WDV की वजह से आपके नॉर्दर्न पार्ट्स में अगेन एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદી આફત વરસી રહી છે। આ અણધારી આફતમાં રાજકોટ જિલ્લો પણ બાકાત નથી રહ્યો। રાજકોટના જામકંડોરના તાલુકામાં ભારે ઉકળાટ બાદ વહેલી સવારે ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો હતો, જેના કારણે રસ્તાઓ પર અને ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા। બીજી તરફ જેતપુર તાલુકામાં પણ કમોસમી વરસાદે અન્નદાતા પર તરાપ મારી છે। તાલુકાના આટકોટ, શિવરાજપુર, લીલાપુર, કોઠી સહિતના ગામોમાં વરસાદ પડતા નદી નાળાઓમાં પાણી વહેતા થયા હતા। આ અણધારી આફતથી ઉભા પાકને તો નુકસાનની ભીતિ છે જ, પરંતુ જેતપુર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પણ ખુલ્લામાં પડેલા ધાણા, મરચા અને બાજરી સહિતની જણસ પલળી ગઈ હતી, જેના કારણે ખેડૂતોને અને વેપારીઓને નુકસાની વેઠવી પડશે। જો કે હજુ પણ હવામાન વિભાગે 5 દિવસની આગાહી આપી છે, ત્યારે જોવું રહ્યું કે આ કમોસમી વરસાદ ક્યાં ક્યાં આફત બનીને વરસે છે। ब्यूरो रिपोर्ट, VTV न्यूज़।